वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और साइड में दिए गए बेल बटन को जरूर क्लिक करो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो, तो आज ना चिराग लगाने की तैयारी कर रहे हैं। जो हमारी गायें भी आई थी ना, तो ये उसका सबसे पहला घी है, तो उसे चिराग लगाते हैं जहाँ से आप भी चिराग लगाने होते हैं, और वही मैं तैयारी करती। वैसे मैंने ये पहले भी दिखाया है, लेकिन आज फिर चिराग लगा रहे थे ना, तो मैंने कहा कि थोड़ी सी इसकी भी वीडियो बना लेती हूँ। और सारे एक बार ना जला के ऐसे दिए, फिर लेके जाते हैं आर्यन और आर्यन के पापा, ये दोनों चले जाएंगे। क्योंकि वैसे तो खेड़े पे आर्यन जाता है संडे को, लेकिन ये चिराग लेके जाने होते हैं ना, तो फिर अकेला कैसे जाएगा, इस वजह से दोनों चले जाते हैं। अगर आर्यन का चाचा हो तो वो भी चले जाते हैं साथ में। और आर्यन पूजा कर रहा है अभी। आज ना मैं कपड़े धुल रही थी, काफ़ी सारे कपड़े थे, इस वजह से पूजा आर्यन नहीं कर दी। और अभी पिंकी नाश्ता बना रही है। मतलब सब अपने अपने काम कर रहे हैं, जिसका जो काम है सब अपने कामों में लगे हुए हैं। जैसे मैं कपड़े धुल रही हूँ, आर्यन के पापा वो अपना जैसे बाड़े का काम होता है वो कर रहे हैं, आर्यन पूजा कर रहा है, पिंकी नाश्ता बना रही है, और माटू जी सो रहे हैं अभी। अभी माटू जी सो के नहीं उठे, जब उठ जाएंगे फिर वो भी अपने काम में लग जाएंगे। और मेथी के पराठे बन रहे हैं आज, टेस्टी लगते हैं बहुत ज़्यादा। मेथी पालक जो भी पड़ा हुआ होता है, जैसे दाल वगैरह भी होती है, देखो वो तो मैं बोलती रहती हूँ कि हम सारी चीज़ें आटे में डाल लेते हैं और अच्छा लगता है। जैसे बच्चे कई बार खाते नहीं ना, वैसे जैसे मेथी की सब्ज़ी है तो बहुत ही ज़्यादा कम खाते हैं, इसलिए हम सोचते हैं कि चलो जैसे मर्जी खिलाएं उनको, तो खिलानी तो है ही, हरी सब्ज़ियाँ भी ज़रूरी होती है खिलानी, इसलिए पराठे वगैरह बना देते हैं। और दही के साथ और मक्खन, मतलब बहुत अच्छे लगते हैं ना। और सर्दियों में यही फ़ायदा है कि सर्दी में जो मर्जी खा सकते हैं, जैसा मर्जी तला भुना। और गर्मियों में तो परेशानी होती है ना कि प्यास लगती रहती है, लेकिन सर्दियों में कुछ भी खाओ कोई चक्कर नहीं है। और अभी मैं कपड़े धुल के सुखा रही हूँ बस, और मेरे कपड़े भी गीले हो रहे हैं, काफ़ी सारे कपड़े, मतलब मंजा ये देखो कितना ढेर लगा हुआ है ना यहाँ पे, और मैंने चारों तरफ कपड़े सुखा दिए, फिर भी इतने कपड़े हैं, काफ़ी सारे थे। इसलिए मुझे जब ये होता है ना, अगर ज़्यादा काम है और थोड़ा सा टाइम नहीं है और आर्यन जल्दी नहा लिया, तो मैं उसको बोल देती हूँ पूजा, वो भी कर देता है। ये होता है ना कई बार हम बिजी हैं, तो बच्चे को भी सिखाना चाहिए सारे काम, इसलिए आर्यन छोटे मोटे काम कर ही देता है। और बस अब फिर हम नीचे जाके ना, किसी के घर शादी है तो पिंकी को शौक है ये बहुत ज़्यादा किसी को तैयार वगैरह करने का। अगर शादी होती है ना आसपास, किसी को तैयार होना होता है, तो आ जाते हैं पिंकी के पास। अभी भी ये तो परी को कर रही है तैयार, इसकी वीडियो बना रही हूँ मैं। तो इससे पहले भी पिंकी ने किसी को तैयार किया था, एक दीदी आई थी उनको शादी में जाना था, और परी का देखो कितना सुंदर डिजाइन बना रही है। परी तो जहाँ भी जाती है ना चाची के पास आ जाएगी साथ के साथ तैयार होने के लिए। और अभी आज ना जूड़ा बनाया पिंकी ने, और वैसे सारी चीज़ें रखती है ना अपने पास, तो लगा देती है इसको। आज ये कह रही कि आज जूड़ा बनाऊंगी और ये वाला डिज़ाइन बना दूंगी, और लाइनर वगैरह, मतलब उसको इतने अच्छे से तैयार करती है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। और अभी भी दिखाऊंगी मैं आपको कितनी सुंदर लग रही है ना परी, देखो सुंदर लग रही है ना। और पिंकी ने बालों का डिज़ाइन भी उसका कितना अच्छा बनाया, अभी वो शादी में जाएगी। और बस अभी ये शाम के टाइम मैं दूध निकालने जा रही थी, और ये छोटा सा बछड़ा जो दूध पी रहा है, पहले इसको दूध पिलाना होता है, इसके बाद फिर मैं दूध निकाल लूँगी, और फिर बाद में भी पिला देते हैं। अभी तो ना शुरुआत है, तो ज़्यादा दूध इनको ही पिलाते हैं, क्योंकि जब तक ये थोड़ा बहुत भी घास नहीं खाते ना, तब तक इनको पिलाना पड़ता है ज़्यादा दूध। और थोड़ा सा दूध बस हम खुद के लिए निकाल लेते हैं, क्योंकि दूसरी गायें भी दे रही है ना, इस वजह से ज़्यादा इनको पिला देते हैं। और अभी मैं अच्छे से इसके थन धो लूँगी, गर्म पानी लेके आती हूँ पहले, क्योंकि अभी भी आई है ना गायें, तो थोड़ा सा ना गर्म पानी में इसके थन धुलती हूँ मैं। और अभी दूध निकाल रही हूँ बस, और आसान है ये, जिसको देखो दूध निकालना आता है उसके लिए तो आसान है, जिसको नहीं आता उसके लिए तो बहुत मुश्किल है। जैसे हमारे घर में और किसी पे आता नहीं ना दूध निकालना, इसलिए उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल काम है ये, लेकिन मेरे लिए तो कुछ नहीं, क्योंकि मुझे तो इतने साल हो गए ना, पहले मुझे भी नहीं आती थी, लेकिन जब आर्यन की दादी की डेथ हुई ना, मैंने उसके बाद सीखी दूध निकालना, इसलिए मुझे तो आसान लगता है ये देखो। और थोड़ा ही दूध निकालते, अभी हम ज़्यादा दूध नहीं निकालते। और अभी बस मैं दूध निकाल लूँगी सारा, इसके बाद फिर दूसरी गाय की भी निकालनी है। वैसे तो थोड़ी सी लेट हो रही हूँ मैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि आज आर्यन था ना, तो इसलिए थोड़ी सी वीडियो बनवा लेती हूँ। और देखो ये दोनों मम्मी बेटे का प्यार चल रहा था ना, और बस आसान है देखो। और अभी आप माटू को देखना। स्कूल इज ओवर, होम इज फन, लेसन प्ले बिगन, हु रन फास्टर, यू और आई,
who loved our dust was yesterday. Thank you. गुड नाइट बोल दो सबको. गुड नाइट. हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल. कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ. और अभी वीडियो की शुरुआत आज बाहर से कर रही हूँ, इस वाले रूम से, क्योंकि अंदर ना टीवी चला हुआ है इसलिए टीवी की थोड़ी सी आवाज हो जाती है. तो कुछ माटू भी शैतानी करता रहता है वहां पे, इसलिए ना मैंने सोचा कि मैं बाहर वाले रूम में बैठ के वीडियो की शुरुआत करती हूँ. आज आपसे सुबह में कोई बात ही नहीं हुई, सुबह से वीडियो तो शुरू कर दी थी, मतलब छोटे मोटे से जो सीन लेते हैं हम वो ले लिए थे मैंने, और फिर कोई कंटिन्यू नहीं कर पाई मैं. कुछ मेन मेरा कारण आज ये भी था वीडियो कंटिन्यू नहीं करने का, क्योंकि मुझे बस आज ये था कि मुझे दूध दिखाना था गाय का निकालते हुए, क्योंकि मेरे पास ना रिक्वेस्ट आ रही थी बहुत ज्यादा कि काउ मिल्किंग दिखाओ, काउ मिल्किंग दिखाओ. तो अगर आप जो भी रिक्वेस्ट कर रहे थे तो ये वीडियो उनके लिए ही है. तो मैंने आज काउ दिखा दी. वैसे मैंने पहले भी एक दो बार वीडियो डाल रखी है ये गाय के दूध निकालने की, लेकिन आज अगर वो बोल रहे थे बार बार तो मैंने कहा कि जब हर रोज मैं ये काम दिन में मतलब सुबह शाम दो बार दूध निकालती हूँ गाय का, तो क्या है, चलो आज मैं वीडियो बनाई लेती हूँ. और कुछ ये भी है, मैं इस वजह से नहीं बनाती क्योंकि ना वीडियो बनाने वाला कोई होता नहीं मेरी जिस टाइम मैं दूध निकालती हूँ. मैं और आर्यन के पापा हम दोनों निकालते हैं, तो वो कई बार ऐसे भी होते हैं, छोटा बछड़ा है वो परेशान करता है तो उनको उसको भी बांधना होता है. और आज ना आर्यन की छुट्टी थी तो इसलिए मैंने आज ये वीडियो थोड़ी सी रिकॉर्ड की, क्योंकि आर्यन बना देता है फिर अगर कोई ना हो तो. और ट्राइपॉड वहां पे मैं लेके नहीं जाती वाड़े में, मैं फोन उठा के फिरेगा उसको. और आवाजें आ रही है कितनी सारी पीछे ढोल की, बहुत आवाजें आ रही है अंदर से. मैं इस वजह से आई थी कि अंदर आवाजी हो रही है, हमेशा शोर शराबा हुआ ही रहता है मेरी वीडियो में. और यहाँ पे भी बाहर ना किसी के घर जाको आई होगी, उसी की आवाज है, ढोल बड़ी तेज बज रहे हैं. तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक किया करो, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब किया करो. मिलती हूँ कल आपको एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय.